साहित्य अकादमी की परंपरा के अनुसार मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे अतिथि लेखक का अंग वस्त्रों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें और उन्हें साहित्य अकादमी का प्रकाशन करें। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि साहित्य अकादमी की सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम श्रृंखला है लेखक से थे, और साहित्य अकादमी के शुरुआती दिनों से ये श्रृंखला चल रही है। इस कार्यक्रम में हम विशेष रूप से लेखक पर केंद्रित एक पूरा जीवन वृत्त प्रकाशित करते हैं, वो आप लोगों के हाथों में उसकी प्रतियां पहुंच चुकी हैं। मैं बिना किसी औपचारिकता के अब आदरणीय अर्जुन चावला जी का सभी से संक्षेप में परिचय करवा देता हूँ। अर्जुन चावला जी सिंधी के प्रख्यात कवि, कहानीकार, लेखक, आलोचक, अनुवादक, शिक्षाविद और बहुभाषाविद हैं। आपको सिंधी के अलावा हिंदी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, सरायकी और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान है। आपका जन्म 10 फरवरी 1931 को काशमोर, जैकोबाबाद जिला, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ। अपनी किशोरावस्था से ही भाषा में गहरी रुचि रखने वाले चावला जी ने 17 साल की उम्र में फिल्मों के गीतों की पैरोडी लिखनी शुरू कर दी। आपकी पैरोडी ने शहर के कुछ उल्लेखनीय गायन समूहों के बीच काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। अपने पिता की मधुर आवाज़ आपको विरासत में प्राप्त हुई है। उन दिनों में आपने एक म्यूजिक बैंड के साथ स्थानीय सभाओं में स्वरचित गीत भी गाए। अर्जुन चावला जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा काशमोर में प्राप्त की और सिंध विश्वविद्यालय से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी की। आपकी पहली कविता 1949 में आपकी स्कूल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और आपकी गीतात्मक कविताएं और गजलें मुजाहिद, वतन और सुबह सिंध जैसे साप्ताहिकों की एक नियमित विशेषता बन गई थी। आपका शोधालय शाह की नायिकाएं, जो कि केवल 20 वर्ष की उम्र में लिखा गया था, को साहित्यिक परिदृश्य में व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई थी। विभाजन के बाद अर्जुन चावला जी 5 साल तक पाकिस्तान में रहे और म्यूनिसिपल हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया। आप 1952 में अपने परिवार के साथ भारत आ गए और अलीगढ़ में बस गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए और जीवाजी विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि प्राप्त की। आपकी पहली कहानी पहज 1960 में हितवासी में प्रकाशित हुई और अन्य कहानियाँ गरम छाव, जुमरो हलवाई, दंड आदि रचना पत्रिका में प्रकाशित हुई और सिंधी पाठकों द्वारा सराही गई। आपने मध्य प्रदेश शैक्षिक सेवा में प्रवेश लिया और कमला राजा राजकीय महिला महाविद्यालय ग्वालियर में अंग्रेजी के व्याख्याता के रूप में कार्य किया। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के रूप में आपने राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रौढ़ शिक्षा पर अपने आलेख प्रस्तुत किए। 1986 में आपको भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया और आपको गुना जिले का जिला शैक्षिक सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया। आपने कोलकाता, चेन्नई, गोवा आदि लगभग 30 शहरों में आयोजित मुशायरों और संगोष्ठियों में सहभागिता की है। आपके कविता संग्रह ओहरिया अब हजार और एहसास जी आहट को सिंधी भाषा में योगदान के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। आप अपनी गजलों और गीतों में के संगीत भी तैयार करते हैं। आपकी कविता जीवन के बारे में गहरे मानवीय मानवतावादी विचारों को दर्शाती है। एक कुशल अनुवादक के रूप में चावला जी ने कई सुंदर अनुवाद किए हैं और उल्लेखनीय साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने अर्जन हासिद, अयाजपुर, अदल सुमरो, मनोहर बाथम आदि प्रतिष्ठित कवियों की बहुत सारी कविताओं का अनुवाद किया है। साहित्य सुरभि जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं ने आपके कुछ अनुवाद प्रकाशित किए हैं। कविता, कथा और अनुवाद के अलावा चावला जी ने निबंधों और आलोचनाओं में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपकी पुस्तक काचू एंड कोडायू शोध लेखों का एक संग्रह है जिसमें आपके उत्कृष्ट आलेख शामिल हैं। आपके कविता संग्रह नेना निंदाखरा के लिए आपको साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 2021 में प्राप्त हुआ। आपकी कविताएं मानवता और प्रकृति के बीच आपकी तीव्र प्रतिक्रिया का प्रतीक है। जून 1991 में अर्जुन चावला जी एमपी एजुकेशनल सर्विस से प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। 92 वर्ष की आयु में
आपने अपनी दुर्लभ सृजनात्मकता और मानवतावादी अंतर्दृष्टि के साथ अपनी पूर्व कल्पना और भाषा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को जीवित रखते हुए दुनिया को विशेष गरिमा से देखते हुए अपना लेखन जारी रखा है और आज हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार तालियों से हमारे सम्मानित अतिथि का स्वागत करें। मित्रों, ये कार्यक्रम पूरी तरह से लेखक की पूरी जीवन यात्रा पर केंद्रित होता है। लेखक अपने जीवन के बहुत सारे उन पड़ावों के बारे में हमसे साझा करता है अपने अनुभव जो उनके रचनात्मक प्रस्थान के कारण बने। अपनी कुछ कृतियों के बारे में बताता है कि उनके पीछे कोई विशेष कारण था, कोई विशेष परिस्थिति थी जिससे कि पाठकों को अपनी उन कृतियों को समझने के लिए कुछ और सूत्र प्राप्त हो सके। तो हमारे बीच में आदरणीय चावला जी हैं जो अपने जीवन अनुभव हमसे साझा करेंगे। बहुत ही आदर के साथ आदरणीय अर्जुन चावला। सबसे पहले सभी आए हुए दोस्तों को मेरा प्रणाम पहुंचे। मैंने पूछा था आप मुझे हिंदी में बोलना है या सिंधी में, तो मुझे कहा गया था कि सिंधी में बोले, तो क्या मैं सिंधी में बोलूं? अज मां पंहिंजो सौभाग्य मञा थो के हेतिरनि नामी अदीबनि साहित्यकारनि जे विच में मूंखे पहुचण जो मौक़ो मिलियो आहे। इहो मुंहिंजो सौभाग्य आहे। मुंहिंजो जनम 10 फरवरी 1931 में कश्मीर में थियो। मुंहिंजी 92 एज हले थी। प्राइमरी एजुकेशन बि उते ई थी, कश्मीर नॉर्दर्न मोस्ट तहसील सिंध जो 7-8 मील परे बावन पुरुष के 7-8 मील हेॾा डेरो गाज़ी ख़ान पंजाब शुरू, 7-8 मील हेॾा बलोचिस्तान शुरू ऐं असांजो तालुको कोच सिंध में। सो प्राइमरी एजुकेशन त उते ई थी, हाई स्कूल जेकोबाद ज़िलो, मुंहिंजी आहे त शख़्सी घटना, पर छाकाणि त उन घटना मुंहिंजे जीवन में वॾो रोल अदा कयो। मां सम्झां थो जेतिरा बुज़ुर्ग हिते वेठल आहिनि पंजासी साल अॻु में मुंहिंजी शादी थी, 85 ईयर्स बैक। मां 17 साले जो हुउसि। मुंहिंजी वाइफ नंढी छोकिरी 6 साले जी। शारदा एक्ट लागू, ब्रिटिश हुकूमत में शारदा एक्ट बाल विवाह पे बंदिश, तो मेरी शादी कराने को 7-8 मील पे बहावलपुर स्टेट के साथ ब्रिटिश कानून लागू नहीं था। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, रामपुर, हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर
किसी के साथ प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं था, तो स्टेट बावलपुर के गांव में लेकर के बैलगाड़ियों से और घोड़ियों से लेकर के वहीं शादी करा के लाए। पंडित जी ने कहा रस्म है दीपक पे लात मार करके तोड़ो, अब मैं लात मारूं तो टूटे ही नहीं, 7 साल का लड़का। बहरहाल मेरी पढ़ाई में, मेरे कैरियर में, मेरी पत्नी संत प्रवृत्ति की साबित हुई और एक संत की तरह ही आज से 10-12 साल पहले उसने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जाऊं, अलीगढ़ से 5-6 घंटे का है हरिद्वार। मैंने कहा कि हरिद्वार में घर की पैड़ी पे उतरने चढ़ने में दिक्कत होगी तुम्हें, आज की 8-10-12 साल पहले की बात है, तो हरिद्वार वाली गंगा अलीगढ़ में आती है, 1 घंटे का रास्ता है, कार से जाओ, बेटा और मोम साथ जाएगी। तो वहाँ जाओ, कार से वहाँ गए, 1 घंटे बाद रात घाट है, गंगा वही हरिद्वार वाली, वही दूर से देख कार से उतर कर की गंगा मैया जय हो। पहुंचे वाले हथेले वाले, कोई चाप पकौड़ी वाले, कोई आलू की टिकिया वाले, ये देखा कि कार से उतरी है, कोई अच्छे घर की होगी, अम्मा जी नमस्कार, के भैया का नमस्कार, के अम्मा जी आगे बढ़ी, के अम्मा जी नमस्कार, के भैया आगे नमस्कार। और आगे ठेले वाले ने कहा अम्मा जी नमस्कार, के भैया नमस्कार। तो मेरी वाइफ ने अपनी बहू और बेटे से कहा कि अब आप सबको नमस्कार, जय हो गंगा मैया। बैठ गई, लेट गई गंगा के किनारे और थोड़ा त्याग किया। उनका बड़ा सहयोग रहा, इसी वजह से मेरी पढ़ाई भी संभव हो सकी। हाई स्कूल में सन 1949 में माने आज से 73 साल पहले मेरी पहली रचना बैर हजरत मुसद्दस में 6 लाइनों की लाख उठाई कविता का उसमें छपी थी हाई स्कूल में, हाई स्कूल मैगजीन में, और पूरे वजन और पहल में अलाए मुल्क में ही दो सलहिया रहती ना था थी। अलाए मुल्क में इंदो सुलह या रहेंदी नासाजी, यानी चैन से टन डुबला, 6 लाइन का ऐसे पूरा शहर के छपा था और पुख्ता वजन में। उससे पहले 16-17 साल की उम्र में मैंने कविता लिखना शुरू की, फिल्मों के गीत, जो फिल्म आई उसका गीत आया, उस गीत की सिंधी भाषा में पैरोडी, वैसे ही गीत लिख करके सिंधी भाषा में। और चूंकि मैं थोड़ा अच्छा गायक रहा बचपन से ही, आवाज़ बहुत अच्छी थी, पिताजी से विरासत में मिली थी, वो बहुत अच्छे गायक थे, जमींदार थे लेकिन गायक अच्छे थे और बिजनेसमैन थे, PWD के ठेकेदार भी थे, अच्छे गायक थे, तो गायकी का मुझे मिला था। तो फिल्मी गीतों के तर्ज पे सिंधी गीत लिख करके
उसको फिल्मी तर्ज में पेश करना। संगीतज्ञों की माने संगीतज्ञ नहीं कहना चाहिए, गाने वालों की मंडली थी हमारे गांव में कश्मीर में, वो मुझसे ले जाया करते थे गीत और म्यूजिक भी सुन के जाया करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे और गाते थे। मैं 16-17 साल की उम्र में हाई स्कूल में पहली छपी, उसके बाद जयप्रभात के वीकलीज साप्ताहिक अखबार वाले एडिटर वो एक एक करके मिलने आए, सुबहसन अखबार के बरकत अली आज़ाद, मुजाहिद अखबार के मोहम्मद अशरफ दाऊद पोथा, वतन साप्ताहिक के खिराज मल, वो हिंदू था, घर के चक्कर लगाने लगे कि आप अपनी रचना दिया करो हमारे साप्ताहिक के, तो मैं देता था उनको हर हफ्ते मेरे नाम से कोई गजल कोई गीत उन वीकली में छपता था। माने 17-18-19 साल की उम्र में मेरा माइग्रेशन करके मैं 52 में यहाँ आया इंडिया में। यहाँ आने के बाद भी 3-4 साल तक मेरी वहाँ पाकिस्तान में छपती रही गीत गजल। हरी दिलगीर जी वहाँ थे, उनके साथ साथ मैगजीन्स में शेख हयाल जी थे और तब के सुन के उनके साथ साथ छपती रही। यहाँ आने के बाद 53 में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 1953 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, नेहरू जी के बहुत दोस्त थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में नेहरू जी को ही बुलाया करते थे 2-3 साल लगातार। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मुझे अलीगढ़ के एक इलाके का कांग्रेस नौजवान मंडल का अध्यक्ष बनाया था और मेरी और 4 जने और जो सेक्टर के थे अध्यक्ष वो भी सिंधी और पंजाबी थे, इनकी मुलाकात नेहरू जी से कराई। यूनियन हॉल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये स्टेज नेहरू जी बैठे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बैठे हैं, हम 5 जने जो थे उनको इंट्रोड्यूस कराया। मैंने नेहरू जी के पास जा करके अपने डायरी में उनके ऑटोग्राफ लिए। नेहरू जी दस्तखत करते थे, जवाहरलाल नेहरू पूरे दस्तखत करते थे, वो आज भी मेरे पास मौजूद हैं, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ नेहरू जी के एकदम नजदीक पहुंचने का। और उसके बाद जो है बीए किया, एमए किया मध्य प्रदेश सर्विस में, लेक्चर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में ग्वालियर में और फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, फिर तो ट्रांसफर होते रहे बस्तर तक हो आया। नक्सलवाद एरिया जहाँ इस वक्त है नारायणपुर सुकमा ऐसी जगहों का के वहाँ भी हो करके आए। मेरा दरअसल उस वक्त मैं हाई स्कूल में टीचर था, 1951-52 में, तो हीरोइन सब शाह जो सुरमू थे लेख छपियो मुझो केतरा मौलाना जिसर आया मिलन आया, मैं यहाँ भाषा कह लिख दिया
मैंने उन एक तरह की रिकग्नाइज करो मुख्य उन्हें नंढड़ी उम्र में सदे खाए मेरे दिल के तो सुठो थो अची है मुझो आठ नौ पांच किताब शायरी के पांचों शायरी की किताबों पे पुरस्कार मिल चुके हैं। चार किताबों पे एनसीपीएसएल के, तीन किताबों पे और दो किताबों पे एक ट्रांसलेशन अवार्ड और एक ये साहित्य कितनी और साहित्य कितनी से दोनों मिले हैं। गजल दरअसल गजल पे ज्यादा थोड़ा लिखा मैंने। गजल ऐसी नफीस चीज है क्योंकि गजल में फन और फिक्र की जुगलबंदी है। फन भी है फिक्र भी है। फन इसलिए कि बहर के सांचे में पुख्ता ढला हुआ होता है जिधर से उधर नहीं हो सकते एक खास सांचे में ढला होता है। वो बैरी रुकनन जो पाबंद थे तो गजल फिक्र फन की जुगलबंदी उन्हें आई। गजल में नफासत भी है नजाकत भी है लताफत भी है लजत भी है। गजल में जिस एहसास का इजहार किया होता है वो पाठक या श्रोता के एहसास के साथ हम आहंग हो जाता है उसके एहसास को छू लेता है। सुनने के बाद सुरूर सा पैदा होता है उस सुरूर से हल्की सी गुनगुनाहट जो सुनाई न दे पैदा होती है तो गजल का आनंद मिल जाता है पाठक को श्रोता। गजल यहाँ सभी साहित्यकार भी हैं कसीदे के रूप में अरब से शुरू होकर के ईरान पहुंचा। कसीदे में राजाओं महाराजाओं हुक्मरानों की तारीफ होती थी लेकिन ईरान पहुंच करके उसमें महबूबा की मशूक की तारीफ होने लगी। हाफिज शिराजी जैसे शायर दूसरे शायर से यानी होड़ एक ने कहा दूसरे से अगर आप तुर्क शिराजी व दस्तार दिले माना बखाले हिंदू बख्शन समरकंदो बुखारा। पहले सुंदर छोकरन ते भी आशिक थी ना होया ईरान में अगर आतुर के शिराजी वो सुंदर लड़का शिराज का अगर मेरा हो जाए बखाले हिंदू बख्शम उसके काला दिल जो चेहरे पे है उस पे मैं बख्श कर दूं समरकंद और बुखारा की रियासतें जो भी नौछावर कर दूं। दूसरे शायर ने कहा कि बस ये करोगे अगर आतुर के शिराजी बदस्तान जले मारा बखाले हिंदू बख्शम बताए दो जहां रहा अगर वो शिराज का तुर्कमन सुंदर लड़का मेरा हो जाए तो मैं उसको दोनों जहानों की इस्लाम के मुताबिक एक तो ये जिंदगी ये जहान और मरने के बाद दूसरे जहान में पहुंच जाते हैं तो जहान है। हमारी तरह हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म वाला हिसाब नहीं है तो मैं दोनों जहानों की दौलत नौछावर कर दूं
यानी हुस्न की बात, हुस्न परस्ती की बात, महबूब के नाज नखरा, इश्क़ व गमज़ा, कुछ ऐसी बातें फिर शुरू हो गई। गुलों बुलबुल के अफसाने, लब और रुखसार की बातें, ईरानी गजल में यूं आई। एक ईरानी और शायर का शेर है, हश्र ई गर्मी है हंगामा कुजा राश्त, मगर बर्दा बर्दाश्त अद रुखे तावाने सम, हश्र कयामत जुड़ी जब सारे जो भर जाएंगे सबको जगाया जाएगा हिसाब किताब के लिए इस्लामिक विश्वास के मुताबिक, और लाखों गुनाहगारों को जलाया जाएगा, आतिश के हवाले किया जाएगा। उस हश्र के दिन भी इतनी गर्मी नहीं पैदा होगी जितनी के आज है। क्यों? कि कुछ हसीनाओं ने अपने चेहरे से नकाब हटा लिए हैं। ये ईरान में हुस्न की पूजा और परस्तिश से हो करके अमीर खुसरो के थ्रू इंडिया में आई और उर्दू शायरों ने उसको अपना लिया। अमीर खुसरो गज़ल का जनक, गज़ल का भी और उर्दू का भी जनक है। मुगलों के ज़माने में आया था, उसने जो लिखी, हालांकि सुंदरता को तो ईश्वर भी पसंद करता है, ईश्वर भी सुंदरता का आशिक है। कुरान में एक जगह आया है, इन्नलिल्लाहि जमीलु यहुब्बिल जमाल, अल्लाह जमील है, ईश्वर सुंदर है, यहुब्बिल जमाल और सुंदरता से प्रेम करते हैं, सुंदरता उसको प्रिय है, सुंदरता सब तरह की भीतर की बाहर की सब। बहरहाल यह है अमीर खुसरो का, उसने आधी लाइन फारसी की, आधी लाइन हिंदी की, क्योंकि हिंदी सीख ली थी उसने मुगलों के ज़माने में, आधी लाइन फारसी की, ज़िहाले मस्की मकुन तगाफुल, अब हिंदी की आधी, दुराए नैना बनाए बतियां, ज़िहाले मस्की मकुन तगाफुल, मेरे इस मिस्कीन के हाल से लापरवाही मत करो, अंधे की मत करो मेरे महबूब, दुराए नैना बनाए बतियां, आंखें फेर करके बातें मत बनाओ, किताबे हिजरा न दारम है जां, किताबे हिजरा न दारम है जां, लगाए ले न काए छतियां, कि मुझे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, लगाए ले न काए मुझे छाती से, सीने से क्यों नहीं लगा देते हो, आधा फारसी आधा हिंदी, यहाँ से उर्दू वालों को आज तक माधव शाह जफर और अपना मिर्जा गालिब हो गए। मैंने 17-18 साल की उम्र में दीवान गालिब पढ़ डाला था, अलामा इकबाल के बाले जबरील पांगे जरा शिकवा जवाब शिकवा 18-19 साल में पढ़ लिए थे, 18-19 साल में बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उषा देवी मित्रा, मुंशी प्रेमचंद उनके नॉवेल्स उपन्यास पढ़ लिए थे। उर्दू शायरों की नज़दीकी थोड़ी ज़्यादा मिली उनको, मैं अलीगढ़ की नुमाइश में सुनता रहा हर साल टॉप के,
जिगर मुराद आबादी हफीज जालंधरी जगन्नाथ आजाद अंच मलसियानी फना कानपुरी शमीम जयपुरी हजरत जयपुरी और भी ढेर सारे सब मैंने यूं सुने हैं ऐसे और उनसे वार्तालाप की थोड़ा बहुत वो हुआ तो इसका भी असर थोड़ा पड़ा और मैंने जो कुछ लिखा है अभी मैंने निवेदन किया था कि गजल शुरुआती गजल मैंने भी वो लबड़ों साहब की बातें हुस्न इश्क की सारी गजलें पहले वाली रवायती गजल इश्क आशिक और माशूक इसके इर्द गिर्द घूमती थी ये बाद में ऑन करके अभी आज की गजल जिंदगी की तलखियों से रूबरू हुई है पुरानी गजल मैंने भी लिखी आज से 6-7 साल पहले का घड़ी यार हित बिघारे मन का घड़ी यार हित बिघारे मन सोच सीने में आए ठारे मन जिंदगी पल पहर जी रात आए पल पहर लाए जल गुजारे मन पहले गजल और चूंकि उसी रंगत में लिखी जाती थी पांच सिटों का मैंने हजरत मुहम्मद में एक रचना है वैसी पुरानी रवायत थी उसमें तुझा वार वासिंगी तुझा नाज नखरीला नखीला नैन नूरानी नरम रुखसार रंगीला गुलाबी पंख रंग जा लब गुलाबी पंख रंग जा सने लब लाल ऐं पीला समुंड जी लहर जड़ी लोड ऐं कदम कहरीला जुबा माज़ूर खे थे सिपत पूरी मिठल तुझी माज़ूर लाचार मेरी जबान लाचार है तुम्हारे हुस्न की मैंने वैल्यूएशन कर ही नहीं सकती गजल इससे चल करके पिछले 50 साल में करवट बदली है गजल ने और लेखराज अजीज तक गजल कुछ रवायती हिसाब से चली हुस्न इश्क के तस्करे लबों साथ की बातें गुल बुलबुल के अफसाने लेखराज अजीज तक की उसके बाद एम कमल ने गजल में मोड़ दिया है उसने गरीबों अपाहिजों कमजोर वर्ग का कुछ वर्णन किया है जिंदगी की तरफ हकीकतों की तरफ थोड़ा बड़ा है उसके बाद तो बहुत फर्क आया है पिछले एक दशक में तो बहुत फर्क आया है पहले की गजल ये थी और आज की गजल जिंदगी की तल्ख हकीकतों से रूबरू हुई है एक गजल की कुछ सुनाई में जो जिंदगी की हकीकतों से रूबरू होती है
उस गजल को मैंने कलकत्ते में ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से नेशनल सिंपोजियम ऑफ पोइट्स हुआ था, मेरा नाम वीना बहन जी ने भेजा था, तो वहाँ सबसे अच्छी गजल मानी गई थी, क्योंकि तरन्नुम भी मैं ही बनाता हूँ खुद, गजल था गीत का, तो तरन्नुम में पेश की थी सिंधी गजल, लेकिन उर्दू तर्जमा भी उर्दू हिंदी का उन्होंने मांगा था सबसे, ताकि वो भी पढ़ी जाए, क्योंकि कई 24 भाषाओं के कवि थे, तो उस हिंदी में तो नहीं समझेंगे, तो हिंदी उर्दू में पढ़ेंगे, तो जब वो धर्म में पेश की तो बहुत माने दाद मिली थी। मैं उसका नमूना एक की कुछ लाइन है बताना चाहूँगा, ये बताई गजल पहले का घड़ी जा रहे तो घरे में आई थी गजल का घड़ी जा रहे तो घरे में सो सीने में आए तारे में जिंदगी पल पहर की रात आए पल पहर आकर गुजारे में जे तू होशियार ना को आही कि टूटल ना पारो तारे में रवायती गजल अजोकी गजल जे तू चाही हा तो हालात बदल दी थे सजा के नवा अक्स पे दीवार पे उभरी थे सजा तुम अगर चाहते हालात बदल सकते थे कुछ नए अक्स पर दीवार उछल सकते थे। ये ट्रांसलेशन मैंने करके ये तरन्नुम में तो अब तरन्नुम नहीं गा सकता तो कने लव के तासीर के परख्यो न हो तो कने लव के तासीर के परख्यो न हो नरम गालों था तो पत्थर के पगर जीत सके तुमने अल्फाज के तासीर को परखा ही न था ट्रांसलेशन तुमने अल्फाज के तासीर को परखा ही न था नरम बातों से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। के नहीं रहा ये गंध जो बिखल पानी न पीण के कम अचे न कहीं कम अचे सेवर जमल मथा काई जमल झील के पानी के ऊपर काई जमी होती है पीने के काम भी नहीं आता। कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं क्योंकि कर्म के नहीं कुछ के यही रहा ये धन जो बिखल पानी से नदी बनजी बनी समुद्र संगदी पे सजा कुछ तो यूं ही रहे जो झील का ठहरा पानी कुछ तो यूं ही रहे जो झील का ठहरा पानी वे नदी बन के तो सागर से भी मिल सकते थे। एक रो हौसलो उठ रात पखिन मत न हो कम खुटल होंदे पे आकाश के उड़ी थे सजा एक सिर्फ हौसला अजम परिंदों में न था टूटे पंखों से भी आकाश को चल सकते थे। ये खासतौर पर ध्यान चाहूंगा इस बंद का शबनमी बूंद पे हक सिर्फ गुलाबों का शबनी में घूमते हक शब्द में घूमते हक सिर्फ गुलाबन जो ना माँ के जा कण खंडेरन से भी मूर्ति के सजा शब्द में बूंद पे हक सिर्फ गुलाबों का न था प्रातः काल शबनम ओस के कण गुलाब की पंखड़ियों रबेल की पंखड़ियों में पट्टे बड़े सुंदर लगते हैं वो फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं तो क्या सिर्फ गुलाबों और रबेल
मोतिया के फूलों का ही हक है क्या और उसके कानों पे शब्द में गूंज पे हक सिर्फ गुलामों का न था और उसके कंठ कनेरों पे भी ढल सकते थे और उसके कंठ कनेरों पे भी ढल सकते थे। एक ये और खास शहर है, मिट्टी ईमानदार होती है, कभी धोखा नहीं देती। गेहूं बोएंगे गेहूं देगी, बाजरा नहीं, बाजरा बोएंगे बाजरा देगी, ईमानदार है। साख पैंजी खे जो ये मिट्टी न बचाया अगर साख पैंजी खे ये मिट्टी न बचाए अगर गुल जे बिजमा के ते कांडेरा भी उसरी जैसा गया। धर्म अपना जो ये मिट्टी न बचा कर चलती फूल के बीच से कांटे भी निकल सकते थे। तो खुड़ी हेठ रखन चाहो थे चांदरों की थे तो चंद के नाम पे छात धार रही जीते सगया तुमने तो पांव तले चांदनी को रोना था। चांद से किरने भी अलग रह के क्या जी सकते थे। ये आखिरी बंद मेरी नजर में बहुत अच्छा है, शायद पसंद आए। तो के पेंजे ही अखिनते पे तो विश्वास न हो, तो के पेंजे ही अखिनते पे तो विश्वास न हो, लुड़क मजा तो जे पलकुन सम लुड़की के सा गया। तुझको अपनी ही आंखों पे तुम विश्वास न था, तुझको अपनी ही आंखों पे तुम विश्वास न था, वरना अष्ट मेरे तेरी पलकों पे भी जल सकते थे। अष्ट मेरे तेरी पलकों पे भी जल सकते। इस तरह की गजल ये मैं इसको आधुनिक मानता हूँ। क्यों कि जिंदगी की जो वास्तविकताएं हैं हकीकतें हैं उनसे रूबरू होती है। दोस्तों इसकी बातें नहीं है, लबो रुखसार की बातें नहीं है, ये आधुनिक गजल है। कभी कभी बहुत सारी गजलें देखता हूँ जरा पल्ले कम पड़ती हैं, क्योंकि सटीक लिखते हैं और आम फहम के समझ में आए वो हो, ऊपर से गुजर जाए वो ना हो। वो मैंने शायरी में एक विशेष बात होना चाहिए, उर्दू में सिंधी में उसको महाकात कहते हैं, नक्श दिगारी, शब्द चित्र, वर्ल्ड पिक्चर्स, ये हमारे सिंध के शेक्सपियर का अब्दुल लतीफ उसके कलाम में भी मिलेगी। शब्द चित्र, शब्दों से चित्र बनाना, वो आपके आंख के सामने घूमने लगे। मैं उसमें से कुछ माने हैं, जैसे कि उसने सोनी महिवाल पे लिखा है,
महिमाल के प्यार में वो दरिया में कूद पड़ती है घड़ा ले करके, लेकिन ये उसको अंधी है, पता नहीं कच्चा घड़ा है, वो लेकर के कुमार दिलचस्प के नदी में मिलने के लिए तो डूब जाता है, वो खत्म हो जाता है, घड़ा गल जाता है, डूबती है और मर जाती है, लाश तैरती हुई जाती है। इसका चित्र शाह अब्दुल लतीफ ने खींचा है, गिड़ी घरों हत करे इलाही तोहार, घड़ाले हाथ में ले करके भगवान का नाम करके और नाम ले करके चल दी सोनू दरिया में, उफनते दरिया में, गिड़ी घरों हत करे इलाही तोहार, जंग जर के वात में सिसिए के से साथ, उसके एक पैर को समुद्री जानवर ने मुंह डाल दिया और उसकी गर्दन को सैसार क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया। चूड़ा बीड़ा चिक में लुड़ में लुड़े सवार, उसके बाल ये वो कीचड़ में सने हुए जाती जा रही है, लखे चौके से लोहणियों खेलियों रनियों घास, लोहणी एक किस्म की बड़ी मछली होती है, लाखों के तालाब में उसको चिपक गई उसके शरीर को खाने को, खेलियों खेली भी एक बड़ी मछली होती है मोटी, धरनियों दार थर के हिप्स, इसको थरा भी कहते हैं सिंधी में, हिप्स को वो थैली मछली है, उसके हिप्स को काट करके खाने लगी, मिर्या मच्छ हजार भांग आती थे, हजारों मगरमच्छ इकट्ठे हो गए, अब टुकड़े टुकड़े हो जाएगी सोहनी। शब्द चित्र देखिए, ये खास बात है अच्छी शायरी की। और एक शेर और ससुरी के लिए भी कहा है, एक दूसरी हीरोइन चाह की, बेई बैठा रोन दुखी पूर्ण में, ससुरी अपने महबूब के मिलने के लिए पहाड़ों में से निकलती हुई और पैदल थकी हारी पसीना और फफोले पड़ गए पांव में, पहाड़ थक करके पहाड़ के पास एक शिला के साथ सिर लगा करके बैठी हुई है और आंसू बह रहे हैं, उसे देख करके पहाड़ भी रो रहे हैं। शब्द चित्र ये तो कुछ शब्द चित्र मैंने भी प्रयास किया है, मैंने सावन पे भी लिखा है, बसंत पे भी लिखा है, संध्या पे भी लिखा है, संध्या पे लिखी हुई नज्म गुजरात में टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन पाठ्य पुस्तक मंडल की तरफ से 11th क्लास के लिए प्रिस्क्राइब देते सिंधी टेक्स्ट बुक में, संध्या को रचना उसमें शब्द चित्र हैं, संध्या के कितने चित्र हैं, सुनहरी घूमट खिसकाए शायद संध्या पर, शायद संध्या आई है घूंघट सुनहरी रेगा घूंघट ओढ़ करके, शायद संध्या आई है, दूर पहाड़न की चौकन से पीलो लाल स्वाव पर, हल्की हल्की चमक चमक चौकन से वो आप पर, सारी पसगिरदाई में ही था जो हुल होलाओ पर, ये जो अकेली नाज नवेली आए अमर में आई, शायद संध्या पर।
दूर पहाड़ों की चोटियों के शिखरों पे पीला लाल की रोशनी पड़ी, संध्या थी, हल्की हल्की चमक चमक, पैरों में घुंघरू चमक चमक की आवाज हल्की हल्की थी, पूरी सुनाई देने लगी है, कुछ आ रहा है और पूरी पत्रिकाई पड़ोस पड़ोस में भी कुछ हल्ला सा होने लगा है। तो ये ऐसा लगता है कि वो एक लाइन है वहां से निकल रहे थे, उसके अकीर नहीं आते, शायद संध्या आई, उसमें एक दो शब्द चित्र है, सारे शब्द चित्र है। सुबह को पंछी जाते हैं निकल के, कुछ को शिकारी के जाल में फंस जाते हैं और कुछ तीर के नजराने हो जाते हैं, फिर शाम के वक्त घोंसले को लौटने की ओर सब मुड़ने लगते हैं, क्यों, शायद संध्या आई। एक चित्र है, परिया ऐसे थी केरू रंग साड़ी पहरे एक नारी, सकुण अणभावा समाजो चेहरो है अग काजल तारी, सखड़ों लोट लसीदो सिर पे ऐ रोटिन की खारी, पैर पोश मां लगे पई जन कुर्मी की घरवारी, संध्या हुई साक्षात रूप में ये आदम दी जाई, संध्या आई। वो दूर एक स्त्री केरू रंग की साड़ी पहन करके आ रही है, खुश्क बाल लेकिन मासूम सा चेहरा लिए हुए और आंख में काजल भरा हुआ, सर पे दलिया, सुबह कुछ खाना लेके गई थी अपने पति के किसान की ओर, और शाम को खाली और लस्सी लस्सी का लोटा वो भी रखा हुआ है, चली आ रही है दूर से गेरू रंग पहरे वो स्त्री, चलिया है सर पे खाली लोटा है और उलझे हुए बाल, बिना तेल के बिना संगी के और अपने पैरपोट से पहनावे से लग रही है कि ये किसी किसान के ओर से। ये साक्षात रूप में शायद संध्या ही थी, एक चित्र और है, दूर गगन देते हैं तहन मना सकरन की रानी खाई, एक दूर गगन के में से उड़ करके एक सफेद ककड़ी एक सफेद बदली आई और सुनहरी संध्या के सुनहरी किरणों ने उसको सुनहरी पोशाक पहनवा दी। सफेद बदली पे जब सुनहरी किरणें हुई तो बदली सुनहरी हो गई, जैसे कि सुनहरी रंग की पोशाक पहन ली, दूर गगन के तरमजा ककरन की रानी आई, सुनहरी किरण तैके सोनी, सुनहरी किरणों ने उसको सोने रंग रंग की पोशाक को फिर पहना दी। हवा इशारों कर हवा ने इशारा कर दिया, रानी पल खा के नाचने लगी, वो बादल इस तरह से झूमने लगा, वो सफेद ककड़ी सफेद बदली
सुनहरी वस्त्र पहने हुए संध्या की किरणों ने जो दिए थे वो डांस करने लगे। इस जादूगर ने नवमंडल में ये रास रचाई है, शायद संध्या ये इलेम क्लास के टेक्स्ट बुक में, सिंधी टेक्स्ट बुक में, गुजरात के टेक्स्ट बुक का पोर्शन में पिछले 10 साल से प्रिस्क्राइब है, बच्चे पढ़ते हैं इसको। अभी और भी बंगाली मेरे कुछ रचनाएं वो भी प्रिस्क्राइब कर दी हैं। ये एक महाकात नक्ष निगारी, शब्द चित्र, वर्ड पिक्चर्स, इसी तरह की अब जैसे बसंत ऋतु की बसंत के चित्र भी माने एक एक चित्र बसंत का। हजार बार मरहबा जो आयो है बहार, फिजा बिल्कुल सुरूर थी समा में कुछ गवा, हजार बार मरहबा। इसकी खास बात ये कि इसमें अनुप्रास अलंकार फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन और रिपीटेशन ये दो फिगर ऑफ स्पीच है भरपूर। वणन ते बूर बूर थियो, कली खिली खिली उठी, गुलन जी सेज सेज थे, भंवर भंवर जी ईद थी, लुड़े लुड़े थी लाम आज, खुशी नो तार तार हार, हजार बार हर हार, हार हर हार। तो दो तीन बन है, एक चित्र है जो मुझे अच्छा लगता है। हवा भी मस्त मस्त थी, कली जो मुंह चुमी चुमी, एक कली खिल गई है, हवा आई कली का मुंह चूम करके हवा भी मस्त हो गई। हवा भी मस्त मस्त थी, कली जो मुंह चुमी चुमी, कली जा लाल लब थिया सुजाग थी सुमे सुमे, कली के होंठ भी गुलाबी रंग के हो गए और वो भी सो करके सजाग हो गई। पनन के ओठ में लगी लगी नहीं खुआर, पत्तियों की आड़ में वो पंखुड़ी जिसको हवा ने चूमा, हवा भी मस्त हो गई और इस कली के लाल भी लब भी लाल हो गए, ये भी मस्त हो गई, सजाग हो गई। एक दुल्हन की तरह अब पत्तियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। हजार बार मरहबा, वेलकम टू द बसंत ऋतु, ये इस तरह की माने जो रचनाएं हुई थी। दो एक थोड़े से 5 मिनट और लूंगा कि एक व्यापक दृष्टिकोण की गजलें भी, व्यापक दृष्टिकोण की सर्वे भवन तो सुखिना, ये मंत्र जो सर्वे संत मेरा भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये जो मैंने जिनकुछ ये दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण सर्वे सर्वे में साख पैंती है, कण कण में मेरी दर समाई है, जर्रे जर्रे में दाग पैंती है, ये सजी कायनात पैंती है, ये पूरी कायनात ही तो अपने हैं,
से पूरी कायनात ही अपने है। क्यों न भरपूर जी लिया जाए, शहरी अपनी है, मौत अपनी है, छोन भरपूर जिंदगी जैसे शहर पहनती मौत पहनती है। खैर जन्नत जो इंतजार करे वो जन्नत अच्छे काम करें तो स्वर्ग में जाने को मिलेगा, उसका कौन इंतजार करे। जी सारी हयात पहन दिया उसे ही जन्नत बनाए ना, ये सारी हयात अपनी है इसे ही जन्नत बना करके चले ना। कि एक वो माने दृष्टिकोण जो था वैसे हरी दिलगीर जी के साथ मेरी करता है पाकिस्तान में सब्जी थी रहता है। हरी दिलगीर जी यहाँ दिल्ली में मिले थे जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, तो बात हुई कहने लगे कि तुम्हारी रचनाएं में पढ़ता था आशावाद है, मेरी रचनाओं में आशावाद है, आपकी रचनाओं में आशावाद है। ये अब वो तो पारखी थे, बहरहाल ये मैंने इस तरह की कोशिश, ये एक जिंदगी का फलसफा होता है, जीवन के प्रति एक कोई दृष्टिकोण होता है हर एक का। जीना एक कला है, जीते हम सब हैं लेकिन जीना सबको नहीं आता, जीना सबको नहीं आता, ये तो सब है हम तो क्यों ना खुश होकर के जिए, रोज दिन रात रोइए कैसी, रोज दिन रात रोइए कब तक, दिल के दागन के धोइए कैसी, दिल के दागों को धोइए कब तक, गम गलत पा नहीं करे सच्चे खुद ही कर दिया कीजिए बेसबक बोझ ढोइए कब तक, खिल खुशी वक्त काट दे यारो, हंस के बोल के वक्त काटना यारो, नीर नैनन निचोइए कब तक। एक माने जिंदगी जीना है कला है, मैंने निवेदन किया था हम सब जीते हैं लेकिन जीना सबको नहीं आता। एक ये एक विचार है जो मुझे जो कुछ आता था मैंने सभी दोस्तों के नजर किया है, आज जो करते आप सबने मुझे सुना बड़े प्यार से बड़े दुलार से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आत्मा प्रसन्न हुई है आप सबके बीच में पहुंच करके, इसमें सुधीर साहित्यकार बैठे हैं, अदीब हैं, कवि हैं, शायर हैं, और मैं साहित्य अकेडमी का डॉक्टर राम साहब का आभारी हूँ, कृष्णा महामी जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं दो मिनट के लिए आप सबके बीच में आ सकूँ, आपका सानिध्य पा सकूँ। सबनी जी मैं फिर जो मज़ो वी सघा तव्हांजी सोबत माने सघां इहो शख़्स मूंखे हासिलु थियो। इसका जवाब
अगर सुन लूंगा तो तुम क्या सुनता हूँ। शायद वो रिकॉर्ड की रह रहा है और उस्ताद के राशा है। आप मोहन बिहारी साहब बहुत साहित्यकार और कवि हैं, ये ईश्वर की कुछ कृपा रही, पूछ रहे हैं कि आपके उस्ताद गुरु कौन है। मेरा गुरु कोई नहीं था, मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी मेरे गुरु थे। वो कविता लिखते भी थे और गाते भी थे, बहुत सुंदर आवाज थी। गुरु नानक जयंती का जुलूस निकले तो लीड वही करते थे, वो पीछे मंडली वो गाएंगे गुरवाणी में से, बहुत सुंदर आवाज थी। तो उसकी देन मुझे विरासत में मिली। मैं भी बचपन से गाता था, तीन चार लड़के मिल करके होली पे दिवाली पे इतने से लड़के जा करके दुकान पे गए और कुछ तो भी फिल्मी गाना सुना दिया तो पैसा दो पैसे जो मिल गए लेके गए आपसे आ गए। क्यों जा करके मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा। मैंने फिल्मी गाने को सुन करके उस पे ही लिखना शुरू किया, क्योंकि 17-18 साल की उम्र से मुंशी प्रेमचंद बंकिम चंद्र चटर्जी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय और राजा अहमद अब्बास आपके सागर हसन मंटो कृष्ण चंद्र ये सब मैंने पढ़ लिए थे। और शाह साहब के तीनों भाग गुरु भाषावी के मैंने 18-19 साल पढ़ लिए थे। तभी मैंने 19 साल को मैं शाह की सूर्मियों के तीनों शाह पे जो लेख लिखता था लोग देखने आए थे और अभी दाढ़ी मूछ आ रही थी मुझे तो मौलाना आए देखने। जब उन्होंने लिखी में पढ़ा तो एडिटर बात कर रहे थे कि भैया वो आपके यहाँ जो छपा है लेख वो किससे ये हैं ये पढ़े हैं ये सब जो देखने लगे कि इसको दाढ़ी मूछ नहीं आई है ये कैसे हो सकते कि यही है। मैंने कहा मैंने देखी है गाँव में उठा लिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान की रचन की बात है 1951 तो में भर लिया। फिर तो वीकलीज में जब मतलब मेरी गजल नहीं पहुंचे वो वीकली इतना कलम छोड़ देती थी लिखते स्टॉप प्रेस। वो कोई पूछे तो वो कहते थे कि इमरान से नहीं आया है आज कुछ ये था। मैं ये कह रही थी कि आपकी कविता जो विशेष रूप से जो संध्या कविता थी माइक दे आपकी जो संध्या कविता थी उसमें ऐसे व्यंग और इस तरीके की गद्यात्मकता थी कि मुझे कालिदास जी की वो पंक्तियाँ याद आ गई कि गर्मी बहुत बेकार होती होगी पसीना आ जाता ही आ जाता पर उसकी शामें भी बड़ी गर्मी की संध्या भी बड़ी परिरमणीय होती मतलब अत्यंत रमणीय होती है। और दूसरा जो निराला जी की जो कविता है कि दिवसा अवसान का समय वह आकाश से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 तो ये जो साम्य और ये जो भारतीय कविता का जो बिंब विधान है वो कितना साम्य रखता है कि जो सौंदर्य में जो उसकी चेतना है उसको आपने भी उसी कड़ी में उकेरा है तो बहुत अच्छा लगा सुनना। और दूसरा आपने अपने अध्ययन की और अपने पिता की कविताओं की बात कही तो मुझे एक बात और याद आई कि सिंधी जो है वो भारत की जो भाषाएं हैं उनसे परस्पर बहुत साम्य रखती हैं और उसे भी रखती होगी पर मुझे भारतीय भाषाओं के प्रति थोड़ा ज़्यादा रुझान या ज्ञान कह सकते हैं आप। संस्कृत की कविताओं में जो द्वित्व या पुनरुक्ति है उसका आपने अपनी कविता में बहुत सुंदर प्रयोग किया है। जो पुनरुक्ति और द्वित्व है द्वित्व जो है यानी उसका दोहराव जो ये उर्दू में भी मिलता है कभी दोहराव जो है शब्दों का दोहराव कैसे उसे सशक्त कर देता है विशेष रूप से काव्य विधान में उसका कितना बढ़िया और सकारात्मक प्रयोग हो सकता है। आजकल लोग काफ़ी भूल चुके हैं
पर आपने द्वित्व का अनुप्रासिक किया बल्कि यंकात्मक प्रयोग किया है कई जगह, और द्वित्व भी तीन चार बार आया है, तो ये एक बहुत ही जो ऐसी मुक्त छंद की कविताओं में भी बहुत अंतर लय और एक लय की तरह है, तो बहुत सुखद लगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, बहुत ही सुंदर वक्तव्य। मित्रों, जब भी हम अर्जुन जी को सुन रहे थे तो बस मरहबा मरहबा ही निकल रहा था, और अर्जुन जी को सुनना दरअसल एक पूरे कालखंड को सुनना है, एक बहुत लंबे कालखंड का साक्षी होना है। विराग साहब ने ठीक ही कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने विराग को देखा था। हम लोग ऐसे ही, जैसे अभी आप बता रहे थे ना, ऐसे बैठ के आपने हसरत जयपुरी और शकील बदायूनी और तमाम शायरों को सुना, हम भी कह सकेंगे कि हमने ऐसे ही बैठ के अर्जुन चावला साहब को सुना है। मैं बहुत ही आदर के साथ आज की शाम को संपन्न करने की अनुमति चाहता हूँ। आप एक एक आप बात कर, समय हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका है। माफी चाहूँगी, अभी जल्दी में होगा की कविता पढ़ी बाहर से, कालिदास में आए बिल्कुल सागी छोकरी तपस्वी भावरन सा वही हुई ना, जैसे उन जा गुरु भाई हुआ शारंगपत तो भाई उसके गुरु भाई थे, जो जैसे दुश्मन दुष्यंत वट बने थी एंड दुष्यंत श्राप श्राप युक्त हो तो उनके सुनाने न थे सके, कदे उन मन में सोचे तो वास्तविक अगुंठन मत ये तेरा जब घूंघट भी अथस ना थे परिस्फुट शरीर लावण्यम जैसी ब्यूटी पूरी नजर भी नहीं अचे ए लिखल भी कान जी अंगन जी कविता में हुई कि पंखड़ी मुझे पुठिया तली लगी ली जी लगी ली तली खूबसूरत था। हां मध्ये तपोधन आना माना पीले तपस्वी मुझे पीला वस्त्र उनन उनन जे विच में किसलय में वो पांडु पत्र आना जी पीले पतन जे विच में ना नई कोंपल के लिए जी अंगन तली थे वो चरम। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे विचार की जो बहुत सारी दशाएं बताई गई हैं, और एक जब रचनाकार अपनी कल्पनाओं में होता है तो जब उस कल्पना स्तर को छूता है उस पर, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे बिंब बहुत सारे विचार एक सम एक जैसे होकर के कई बार आने लगते हैं, और ऐसा हम बहुत सारे शायरों की गज़लों में देख भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हैं। और जब हम अर्जुन साहब को सुन रहे थे तो फारसी परंपरा से लेकर के और आधुनिक आज तक की गज़ल की पूरी विकास यात्रा और किस तरीके से उसने बिंबों में बदलाव किया है, विचारों में बदलाव किया है, और आज जनता के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी हुई है, उस गज़ल से हम रूबरू हो रहे थे। मैं पुनः साहित्य अकादमी की ओर से आदरणीय अर्जुन चावला जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सबसे हम लोग जोरदार तालियों के साथ अर्जुन जी का धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं, और आप सभी अब जलपान पर आमंत्रित हैं। नमस्कार, धन्यवाद।